तो अब हम जाएंगे हामटा सेतन। तो गाड़ी हमने पीछे लगा ली थी, तो अब हम जा रहे आगे, फिलहाल चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये पड़ रही जी स्नोफॉल, ये है देखिए वो प्लेन जगह, यहाँ पर हमने स्कूल टाइम पिकनिक की थी। तो व्यू आप चेक की कर सकते हो भाई, क्या मस्त है। तो गाइस हमने यहाँ पर शूट तो कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर को ट्रैकिंग करते करते। यहाँ देखिए अब हम जाएंगे पूरा ऊपर। फाइनली हम अपनी मंजिल पहुँच चुके हैं। देखिए अब हम बनाएंगे बर्फ का गोला, तो इसको करेंगे हम सीधा यहाँ से लॉन्च नीचे की। तो हम इसको देखिए कितना बड़ा कर दिया हमने, ये संभालना मुश्किल हो रहा भाई। ये दला सीधा और मुश्किल लग गई इधर। चल 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 कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं आपको स्नोफॉल दिखाने। तो पिछले कल ही यहाँ स्नोफॉल पड़ी हुई है, तो पिछले कल तो मैं कुल्लू से पहुँचा, तो मैंने सोचा मैं चलता हूँ शाम को जैसे, बट उस वक्त रात हो गई थी तो मैं लेट ही पहुँचा घर। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली साइड, और आगे भी देखते हैं, अगर आगे जाने देंगे तो आगे भी जाएंगे। फिलहाल अभी मैंने देखा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में, तो अपने गांव का एक भाई गया था टल टनल साइड, तो वहां पर तो स्नोफॉल हो रही है। तो यहां का वेदर आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां का वेदर तो देखिए इस तरह का है, कुछ धूप निकल गई है, तो ऊपर ऊपर पहाड़ में तो स्नोफॉल हो रही है। तो फिलहाल चलते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइस हम जा रहे हैं सोलांग वैली साइड, तो वहाँ पर पूछते हैं, देखते हैं जाने देंगे कि नहीं। तो बैक टू बैक जिप्सी चल रही है देखिए। तो हमारे साथ आ गया वरुण और आयुष। तो ये आयुष की गाड़ी है नई वाली इको, तो इसका पूरा लुक ही चेंज है देखिए। एयर बैग है, मीटर चेंज है इसका, तो पूरा डैशबोर्ड ही चेंज है इसका। तो फिलहाल अभी चलते हैं, तो लेट्स गो। उपलचान हम पहुँच गए थे, तो पहाड़ों में देखिए बहुत ही अच्छी बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए ये सोलांग वैली का पहाड़ है, तो फिलहाल अभी पहुंचते हैं सोलांग वैली, देखते हैं वहाँ भी क्या हो रहा है। तो लेट्स गो। स्नोफॉल देखने के लिए जा रहे थे टूरिस्ट, तो यहाँ पर लग गया है ट्रैफिक। देखिए पीछे तक ट्रैफिक लग गया है, शायद से ऊपर जाने नहीं दे रहे टू व्हीलर को। तो गाइज हम जा रहे हैं अब वापिस यहाँ से, तो अब हम जाएंगे हामटा सेतन, तो देखते हैं वहाँ देंगे जाने की नहीं। तो वैसे तो मैंने दोस्त को कॉल किया था कि मतलब जाने देंगे कि नहीं, तो उसने बोला कि जाने देंगे, लोकल को जाने देते हैं। तो अटल टनल साइड तो ओनली फोर व्हीलर ही जाने दे रहे, मैंने आपको पहले बोला था। तो अब हम बैक ही हो रहे हैं यहाँ से, रिवर्स हो रहे नीचे की ओर, तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, ओनली फोर व्हीलर गाड़ी के लिए जा सकती है अटल टनल साइड, ये तो टू व्हीलर है तो ये नहीं जाएगी। तो हम जा रहे थे हामटा सेतन तक, तो फिलहाल बीच में हम रुक गए हैं सुबह, क्योंकि कुछ भी खाया नहीं है, तो अभी फिलहाल बर्गर ही खाएंगे हम। तो जिसने भी इस टाइम में स्नोफॉल देखनी है तो वो आ जाइए। तो सोलांग वैली तक तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी में आ सकते हो, तो उसके बाद तो ओनली फोर व्हीलर ही गाड़ी चलेगी, तो वहाँ से आप जिप्सी बुक करवा सकते हो। तो इस टाइम में मैं बोलूँगा आपको आ जाइए स्नोफॉल देखने, जिसने जल्दी आना देखने, बाद में तो स्नोफॉल होती है वो तो आप सभी को पता ही है, तो जिसने भी स्नोफॉल देखने वो तो आ जाइए। तो बर्गर आ चुका है हमारा, तो अब खाने के बाद मिलते हैं। तो बर्गर हमने खा लिया था, तो फिलहाल अभी जाएंगे हम पेट्रोल पंप तक, क्योंकि इसके हैंडल थोड़ा सा भारी लग रहा है मेरे को, शायद से हवा कम लग रही टायर में, तो हवा भरवाएंगे वहाँ पर। तो फिलहाल अभी चलते हैं, तो लेट्स गो। तो बांग आ गए थे हम, तो अभी हवा चेक करते हैं कम है कि ज़्यादा। यहाँ पर भी स्नो हुई है थोड़ी पहाड़ों में ऊपर ऊपर, तो फिलहाल अभी चलते हैं बैनल के पास, देखते हैं वहाँ जाने देंगे कि नहीं। वैसे तो जाने देंगे क्योंकि लोकल है हम। तो हमटा के बैरल से हम निकल गए थे, तो अब हम
जा रहे हैं हम टाइकी और देखते हैं वहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही होगी तो मज़ा आ जाएगा, लाइट स्नोफॉल होनी चाहिए तो तब आएगा व्लॉग में मज़ा, देखते हैं फिलहाल अभी चलते हैं। तो जब आप लोग हमटा से तन की ओर जाओगे तो आपको बीच में ऐसे ट्री हाउस भी मिलेंगे तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो, तो देखिए ट्री के ऊपर बनाए बहुत ही अच्छे। फाइनली बारिश पड़ रही है नीचे तो हमटा सेतन में तो स्नोफॉल हो रहा होगा शायद से, तो हमारी जो विश पूरी होने वाली है लाइव स्नोफॉल की तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं। फाइनली हमारे को स्नोफॉल दिख गया, देखिए पिछले कल यहाँ पड़ा है हल्का हल्का, तो फिलहाल अभी हो रहा है लाइव स्नो हल्का हल्का, तो जितना आगे हम जाएंगे उतना पड़ेगा बर्फ, तो देखते हैं आगे जाके कितना स्नोफॉल हो रहा है। तो फाइनली हो चुका है स्नोफॉल स्टार्ट, देखिए हल्का हल्का भी। अभी स्नोफॉल हो चुका स्टार्ट, देखिए अमेजिंग। तो गाड़ी हमने पीछे लगा ली थी तो अब हम जा रहे आगे, देखते ऐसे पैदल ही चलते ऊपर की ओर, तो वहां पर रील्स रूल शूट करते हैं, फिलहाल चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये पड़ रही जी स्नोफॉल, ये देखिए लाइव स्नोफॉल गाइस हमटा सेतन में। तो यहाँ पर हमारे से पहले कोई आया था जिसने ये स्नोमैन बनाया, बट इसके आँख नाक मुंह तो बनाए नहीं ना हाथ। तो अब हम जाएंगे परे यहाँ पर, तो यहाँ पर पुल भी लगा हुआ है। तो एक बार मेरे को याद है कि हम एक बार यहाँ पिकनिक बनाने आए थे स्कूल की तरफ से, तो हमने ये पुल भी क्रॉस किया था, तो परे हम बिल्कुल प्लेन मैदान में हमने पिकनिक बनाई थी। तो चलते आगे, ये है देखिए वो प्लेन जगह, यहाँ पर हमने स्कूल टाइम पिकनिक की थी, तो व्यू आप चेक की कर सकते हो भाई क्या मस्त है, अमेजिंग। धूप के साथ बिल्कुल स्नोफॉल हो रहा है। अब हम इस पत्थर के ऊपर रील शूट करेंगे क्योंकि यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, पहाड़ देखे क्या मस्त लग रहे हैं चारों तरफ, ये देखिए। वगैरह शूट कर ली है, तो अगर सोलंग वैली के अलावा जिसने स्नोफॉल देखनी है तो वो हमटा सेतन में भी आ सकता है, क्योंकि सोलंग वैली साइड ना ट्रैफिक होता है तो टूरिस्ट का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है कि भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, अगर भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पर भी आप आ सकते हो अगर आपने स्नो में खेलना है और व्यू भी आपको मस्त चाहिए, तो आपको ये पीछे वाला व्यू दिख रहा ही होगा क्या मस्त है। सो गाइस हमने यहाँ पर शूट तो कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर को ट्रैकिंग करते, यहाँ देखिए अब हम जाएंगे पूरा ऊपर, तो देखते हैं ऊपर से भी कैसा व्यू आएगा चारों ओर का, तो वहाँ पर भी रील्स बनाएंगे और वीडियो शूट करेंगे, तो मेरे को तो लगता है ऊपर से ज़्यादा तगड़ा व्यू आएगा क्योंकि यहीं से इतना तगड़ा व्यू देखिए तो ऊपर से तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, थक गए थे तो अब हम बैठ गए लेट के सांस फूल रही है। और यहाँ से ना ट्रैकिंग के लिए ट्रैक पहले से बना हुआ है क्योंकि हमटा से भी जाते हैं ग्रुप्स ब्रिगू के लिए, तो यहाँ से भी रास्ता है ब्रिगू के लिए। तो ये देखिए ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है रास्ता ये वाला, देखिए फाइनली कुछ ही देर में हम अपनी मंजिल
में पहुंचने वाले हैं। तो देखिए इतने नीचे से आए हम, वहाँ थे हम, इतने नीचे थे, तो हम पहुंच गए इधर पेड़ों के बीच। तो अब कुछ ही देर में स्नोफॉल भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखिए मौसम भी ख़राब हो चुका है ऊपर ऊपर, तो लाइव स्नोफॉल देखने को फिर से मिलेगा हमारे को यहाँ ऊपर। तो फाइनली हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं। देखिए नीचे से तो ऐसा लग रहा था कि इसके आगे बहुत ही तगड़ा व्यू है, बट व्यू तो बहुत अच्छा है। ये पहाड़ बढ़ते ही जा रहे भाई ऊपर तक। तो स्नोफॉल होने वाला थोड़ी देर में स्टार्ट, कुछ ही सेकंडों में। अब हम बनाएंगे बर्फ का गोला, वो करेंगे हम सीधा यहाँ से लॉन्च नीचे किया। वो मिसाइल बना ली हमने, देखिए चलो गोल वाली, तो इसको करेंगे अब लॉन्च। तो लाइव स्नोफॉल हो चुका स्टार्ट, देखिए मिसाइल हम कर रहे हैं लॉन्च। चलिए फट गया, मैंने बोला था नहीं फटेगा ये। तो दूसरी मिसाल हमने रखी आगे से, आगे से, आगे से। तो ये आगे से। तो इतने टॉप में ना हम तीन ही आए अभी तक, क्यों भाई? बिल्कुल फुल मजा। तो टूरिस्ट तो भी बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो नीचे को तो हम स्पीड में पहुंचेंगे, ऊपर को तो थक जाते हैं, आपको पता ही होगा, नीचे को तो 2 मिनट पहुंचेंगे। चलिए जी भाई मिसाल आइए धीरे धीरे। इतना संघर्ष का काम कर रहे हम, बिल्कुल इसको प्यार प्यार से ला रहे हैं, फटानी चाहिए फिर से। अब ये इसको पूरा नीचे तक ले जाएंगे, नीचे जैसे करेंगे इसको लॉन्च। तो हम इसको देखिए कितना बड़ा कर दिया हमने, ये संभालना मुश्किल हो रहा भाई। इधला सीधा और मुश्किल लग गई इधर। चल 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 कुछ नहीं है। टूटी गया भाई, टूटी गया वो। फिर से हमने इतना बड़ा बना लिया है, छोटा भाई, छोटा भाई उसका। ए लाइव स्नोफॉल है जी, हमने फिर से इतना बड़ा बना लिया है, देखिए। अभी शुरू करते हैं यहाँ से लॉन्च। रुक रुक, ओ फिर से टूट गया भाई वो, यहाँ देखो ए। चलो चलो, ठंडा भी हो गया हाथ में बहुत ज्यादा, तो बर्फ भी अब स्टार्ट हो गया देखिए हैवी वाला। तो चलिए ठंडा हो गया भाई, चलिए तो अब हम जाएंगे स्की करके। यो हैवी स्नोफॉल हो चुका स्टार्ट, देखिए। नीचे तो हम भाई 2 मिनट में पहुंच गए। तो चलते हैं गाड़ी के पास, ऐसा ना हो जाए बर्फ बहुत ज़्यादा टिक जाए। और रिको में 4-व्हीलर है नहीं, तो पीछे वाले टायर चलते उसके, तो ऐसे वो दिक्कत देती है ऑफ रोड में, टायर फिसलते उसके हवा में अगर बदल नहीं पड़ा तो। क्यों जी, चलिए गाड़ी के पास, यहाँ तो तगड़ा मजा आ रहा है स्कीइंग। ये तो अब हम चल रहे गाड़ी के पास। फाइनली हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, तो अब हम जाएंगे डायरेक्ट मनाली, तो वहां पर लंच करते हैं। तो हम जाएंगे राजू रामा के पास फ्राइड राइस खाने। हम पहुंच गए थे राजू लामा के पास, तो हमारा फ्राइड राइस आ चुका है, अब खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस हमने लंच कर लिया था, तो फिलहाल अब हम जा रहे घर की ओर ही, तो चलते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइस घर में पहुंच गया था, तो आज का ही वेदर था स्नोफॉल का, तो कल के बाद तो बिल्कुल मौसम साफ है। तो अगर आपने स्नोफॉल देखनी है तो
तो आप आ सकते हो। तो सोलांग वैली में तो आपको अभी स्नोफॉल मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी अटल टनल साइट और हामटा सेतन साइट। तो अगर आपको ज़्यादा स्नोफॉल चाहिए तो आपको अटल टनल साइट मिल जाएगी। हामटा सेतन साइट तो उतनी है नहीं, आपने देखा होगा कि पहाड़ में बहुत ऊँचे आके रोड में तो है नहीं, तो अटल टनल साइट ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आपको ट्रैफिक से बचना है तो आप हामटा सेतन साइड भी जा सकते हो। जो ब्लॉग आपको मेरा ये पसंद आएगा तो आई होप गाइस आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तो अभी के लोग गाइस।